हेलो जी, उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं और आपका स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। और देखो हम कहाँ चल पड़े हैं, और आज बहुत दिनों के बाद हमने की थी बस की सवारी, और मेरे साथ ही मोनू। और ये देखो आपको दिखी होंगी हमारी नहर, हमारे गांव में बहुत बड़ी नहर है, दो नहरें हैं, एक में पानी था एक में नहीं था, और बीच में हमने दिखाए थे आपको अपने खेत। और ये देखो सबसे पहले हम रोहतक पहुंच गए थे, और फिर हमने वॉच की दुकान यानी कि घड़ी की दुकान पर गए, और ये बच्चों की डिमांड पे पानी पूरी, और लास्ट में मैंने पिया था पानी। मैंने भी खाई थी लेकिन एक दो ही पानी पूरी खाई थी, लेकिन मेरी बेटी का आया था रिजल्ट तो उसको हमें देना था ट्रीट, तो पहले उसकी डिमांड थी पानीपुरी, आज मैक्सिमम चीज़ें उसी की पसंद की खाई जाएंगी। और फिर हम पहुंच गए देखो कहाँ पे, यानी कि जूती लेने। बहुत प्यारी प्यारी जूती थी, देखो कितनी कितनी सुंदर है, पर ये कितनी लें, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। ये देखो एक आपको मल्टी कलर वाली चप्पल दिख रही होंगी, और हमने वहाँ से जूती और चप्पल खरीदी। और ये देखो ये है, फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़े गवाने अड्डा की तरफ से किले रोड की तरफ जा रहे थे, और ये देखो कितनी कितना मतलब सामान है जो पसंद आ रहा है। और ये माता के दर्शन आप भी कीजिए, और ये देखिए अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ वॉच फुल वीडियो। और आज क्या था, मैं काफ़ी दिन बाद यानी कि आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, मैं एक डेढ़ साल के बाद आई थी, तो हमने की थी जम के शॉपिंग। ये मैंने देखा था लेकिन मेरे को वो ड्रेस नहीं मिली, मैं वही ढूंढ रही थी, मेरा बेटा और मोनू ने कैप्चर किया था, और ये दोनों मेरे साथ चल रहे हैं, और मैं छोटे को घर छोड़ के आई, सॉरी भाई। और ये देखो मतलब इतने सुंदर सुंदर कपड़े थे देखो, पर ये था कि खरीदे क्या, क्या ले क्या नहीं ले, इतना ज़्यादा कंफ्यूज था। और ये देखो क्राउड भी था, लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा ना मैनेजमेंट अच्छा कर दिया इधर के लिए रोड का, तो इतना क्राउड नहीं रहता है अभी। लेकिन ये ना शादी की हर किसी का फंक्शन है उसकी, तो हमने पहले उधर से फर्स्ट शॉप से ख़रीदा, अभी मैं इधर आ गई थी, और ये मेरे को न्यू पैटर्न नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया था कि नहीं मैं नहीं ले रही हूँ भाई। फिर उन्होंने हमें एक अपनी दुकान बताई, और यहाँ पे मैंने लिए थे पिकू के लेके, और फिर इधर मैंने अपनी बहुत सारी ड्रेसें ली थी जो हम दिखाएंगे आपको बेंगलोर जाके, क्योंकि मैं अभी इधर पता नहीं क्यों नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं बिजी होंगी मे बी। और इधर से मैं ले रही थी, फिर मैंने लिए थे सीवेन के, और हम फिर चल पड़े हैं इधर, साथ साथ में बारिश भी इंजॉय कर रहे थे हम। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर लहंगे, मोनू ने बोला था बुआ देखो कितने प्यारे प्यारे लहंगे हैं, ये बच्चों की ड्रेस थी, और ये घर का सामान जॉब की नीड होती है, पहले इतनी नहीं थी, अभी तो बहुत सारे सेल के छोटे छोटे मॉल खुल गए हैं जो अच्छे भी लगते हैं। और हमने फिर ली इधर कुल्फी, अरे हमारी कुल्फी गिर गई थी भैया का, लेकिन मैंने ना उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे, वो बोल रहे थे नहीं नहीं हाँ ये मेरा नहीं भाई, वो मेहनत करता। और ये देखो हम फिर मोनू की पसंद की एक चीज़ दुकान पे आ गए, और यहाँ पे ये इन्होंने पहले खाई आइसक्रीम, ये भैया बनाई थी दोनों की, ये 50 रुपीज़ की थी, ये बड़ा चालाक है पीकू। हमने दोनों ने कुल्फी खाई इतने में, और ये देखो, और फिर मोनू की पसंद पिज़्ज़ा जो मोनू ने लिया और हमने खाया। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये देखो ये पुलिस वाले ना ब्लड का काटने के लिए क्या बोलते हैं उसको, फाइन वाइन काटने के लिए उसको बार बार चेक किए जा रहे थे लेकिन नहीं कटा। और फिर लास्ट टाइम पे हम एक और दुकान पे आए थे, और आपको कंटिन्यू दिखाएंगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय।